गुड मॉर्निंग गाइस एंड नमस्ते, माय नेम इज धीरज सिंह बिस्ट। आई एम फ्रॉम वीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टडिंग इन 12th कॉमर्स। आई एम हियर टू प्रेजेंट माय पीपीटी ऑन एक्शन ऑन चैलेंज। सो लेट्स बिगिन। आई हैव गिवन टाइटल टू माय जर्नी, द जर्नी टू नो आवर ओन सेल्फ। सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लीडरशिप क्या है? मेरे लीडरशिप वो है, मतलब ये नहीं है कि किसी को कमांड करना, किसी को मतलब हुक्म देना कि उसे क्या करना है। इसका मतलब लीडरशिप वो है उनको गाइड करने का और सेम डायरेक्शन में हम हैं। वो एक बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीड ने हमें 6 प्रोजेक्ट दिए थे जो हमें 1 महीने में कंप्लीट करना था। सो हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल मैं आपको देता रहूँगा, डिटेल मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, द बॉन्ड, द पावर ऑन में बॉन्ड बनाने कहा था जिसकी एबिलिटी आपके अंदर हो। तो मैंने बनाया बॉन्ड ऑफ रिस्पेक्ट, जिसकी ताकत ये है वो मतलब दूसरे के दिल में एनिमल और ह्यूमन के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करेगी। सेकेंड प्रोजेक्ट वॉज विजन बोर्ड, तुम्हें क्या बनना है? आई वॉन्ट टू बी अ स्टैटिस्टिशियन। उसके लिए कुछ स्किल चाहिए, तो जो स्किल मुझे इसके लिए चाहिए वो ये है, सोशल अवेयरनेस, जो मैं मतलब न्यूज़ देख के और आर्टिकल पढ़ के डेवलप कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन, मैं मतलब कुछ कंपटीशन में या फिर किसी बहुत सारे इवेंट्स में पार्ट ले सकूँ ताकि मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने में मदद मिल सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट किसी जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस जो लोग हैं उसे मैं उनकी राय ले सकता हूँ, उनकी लाइफ में कैसे कैसे प्रॉब्लम आई और उन्हें कैसे उन प्रॉब्लम का सलूशन किया। डिसीजन मेकिंग, मैं कुछ क्लिप्स देखूँगा सक्सेसफुल लोगों की और फेलियर्स की, ताकि जो मालूम पड़ सके क्या मुझे लाइफ में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड टॉपिक, स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, जिसे हमें 3 टॉयज बनाने गए थे जिसमें प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। तो सबके बारे में डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने टॉय बनाया है वो है मेटल क्यूब्स, दूसरा नाइफ, तीसरा एक रिंग। जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है वो ये है, कार्डबोर्ड, ग्लू, थ्रेड, सीजर, ब्लैक पेन एंड वाटर कलर। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्प इन किचन, जो आजकल लड़के तो बिल्कुल नहीं करते। मैं ट्राई किया है, पहली बार रोटी बनाने का एक्सपीरियंस, हलवा मेरा फेवरेट डिश में से एक, वो भी आटे का, खिचड़ी जो बेसिक है सबको आनी चाहिए, फ्राइंग वेफर्स जो मतलब फास्ट में मैक्सिमम खाए जाते हैं। 5th टॉपिक, लेट्स मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। उसमें मैंने एक प्रॉब्लम ली है, मैं मतलब वर्ल्ड को ऐसे बेटर बनाऊंगा, मैं मतलब जो बैगर्स होते हैं उनको जो फिजिकली फाइन है अच्छे वर्ग में पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं उनको मैं जॉब प्रोवाइड कराऊंगा। इंडिया में लगभग 29.6 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और ज़्यादातर लोग भीख मांग रहे हैं अपना पेट, उनका पेट या फिर उनकी फैमिली का पेट भरने के लिए, जिससे हो ये रहा है कि जो यंग जनरेशन आएगी, जो उनके बच्चे हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को देख के वही जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए चुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना कॉमन टॉपिक है जो सबको मालूम है तो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे सबको इसके लिए अवेयर करना है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो इसके कुछ अच्छी चीज़ जो हो सकती है, बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से कुछ छोटी स्मॉल चेंज कैन बी, कुछ छोटी चीज़ बहुत बड़ी चेंज को ला सकती है। इस बार सिर्फ उनकी लाइफ में नहीं, जो कंट्री है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। पहला, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो पर कैपिटा इनकम और जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, सबके पास अब जॉब है, सबसे इम्पोर्टेंट किसकी लाइफ सुधरेगी।
अगर मैं होता तो मैं इसके लिए इसको ठीक करने के लिए ये करता, मैं जो बैकर्स है उनको बता रहा तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ कुछ सेशन रखता पब्लिक के लिए और बैकर्स के लिए दोनों के लिए, और कुछ पैम्पलेट्स पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता ताकि अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है या फिर किसी को इसके बारे में जानना है तो वो पैम्पलेट के द्वारा जान सके। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें कुछ मतलब लोग चाहिए जो हमें बता सके कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। सोशल एक्शन, मैंने इसमें सेम टॉपिक लिया, मैंने इसको अवेयर करने के लिए सब लोगों को मैंने एक ऑनलाइन सेशन रखा था। मैंने उस सेशन में मतलब मैंने गूगल मीट में सेशन रखा जिसमें मैंने अपने ये प्रॉब्लम क्या है उससे उसके ठीक होने के बाद क्या क्या हो सकता है वो मैंने सब उधर बताया। उसके लिए मुझे कुछ ऑनलाइन रिसर्च लगी और कुछ पब्लिक रिव्यू जो मुझे नेपर से ही मिल गया। ये मैंने कुछ मीट में दो मीटिंग रखी थी स्कूल फ्रेंड्स और टीचर के साथ। मैं कम से कम 40 लोगों से इंटरेक्ट कर पाया, 40 लोगों तक पहुंच पाए और मुझे लगभग 5 दिन लगे और मैंने इसमें कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं किया है, सब चीज़ घर पे ही थी। मैंने कौन से चैलेंजेस फेस किए, सबसे पहले फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम कुक करना हमेशा टेरिबल होता है। इस बार मेरी फैमिली के लिए वो मेरा टारगेट बने थे, उनको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ रहा था। और वर्ल्ड में इतनी सारी प्रॉब्लम है उसमें से एक प्रॉब्लम चूज करना बहुत डिफिकल्ट था, एक के सामने बोलने में डर लगता है और ऑनलाइन सेशन में इतने सारे लोगों के सामने बात करना बहुत डिफिकल्ट था। मैंने इससे कुछ ये सीखा है, मैंने फर्स्ट सेक्शन से ये सीखा है, मैंने अपने आप को जाना। मुझे सेकंड से मुझे ये मालूम चला मुझे क्या करना चाहिए जो मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। मुझे ये मालूम चला मैं कितना क्रिएटिव हूँ। फोर्थ सेक्शन से मुझे ये मालूम चला कि डिफिकल्ट कुकिंग कितनी डिफिकल्ट है। फिफ्थ से मुझे ये मालूम चला वर्ल्ड कितनी क्या रियल प्रॉब्लम है वर्ल्ड की। और लास्ट टॉपिक से मुझे ये मालूम चला मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाया और ये जान पाया वो क्या सोचते हैं। और ये मैंने कुछ हर प्रोजेक्ट में कुछ कुछ स्किल यूटिलाइज किए जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। एट लास्ट माय जर्नी, एट द बिगनिंग आई डोंट थिंक, स्टार्टिंग में मुझे नहीं मालूम था कि अच्छा है, मैं सिर्फ टाइम पास समझता था, बोलता है ना किस्मत, तो आज मैं इधर हूँ। एक ऐसा है मतलब फर्स्ट थिंग जो मैं बकवास समझता था वो लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। सो थैंक यू, इफ यू लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना।